किसान भाइयों, हम गन्ना बोते हैं लेकिन कुछ हमारे किसान जागरूक हैं जो गन्ने के साथ प्याज बोते हैं। ये प्याज है, ये एक दो बीघा हर साल बोते हैं, अपने आप नहीं चौथाई पे आज जैसे भी करते हैं। अब इसमें इन्होंने क्या किया, गन्ना बो दिया और इसमें ये गंठी जो है प्याज, इसका कण लाख है, हमारे यहाँ लावड़ में मिल जाता है या खुद तैयार कर लेते हैं। अब देखो गन्ना भी चमक रहा है इसमें, और इसमें इन्होंने कण लगाया प्याज का और आज ये प्याज बिल्कुल तैयार है। देखिए आप, तो मेरा निवेदन ये है किसान भाइयों से कि किसान थोड़ा बहुत अगर ये बो लें एक आध बीघा तो कुछ तो पैसे बन जाएंगे। और एक फ़ायदा और है, वो मुसीबत टल जाएगी जहाँ सरकार हिल जा प्याज का रेट सुनकर 100 रुपये किलो फलाना टिकड़ा। तो ये हमने क्या करा, हम एक फसल के पीछे पड़ गए, फसल चक्र बनाना होगा और ये जब बनेगा जब हम अपना आलस त्याग देंगे। हम जो किसान हैं आलसी हो गए हैं, अभी देखो जिनकी ज़मीन कट गई इन बेचारों को करना पड़ रहा है। अपने घर की सब्जी फ्री है, दूसरा ये प्याज है, देखिए कितनी मोटी है, इसकी हरी सब्जी भी खा सकते हैं, साथ साथ बड़ी मोटी मोटी पड़ रही है प्याज, देखिए आप। हमने घिया बो दिया इसमें अंदर, तो ये घिया भी तैयार हो जाएगा, जगह जगह वो रखे हैं घिया के पेड़। तो दोस्तों हम सब्जी भी नहीं बो पाते, जैसे घिया है, तोरी है, करेला है, किसान के पास ट्यूबवेल भी है, चाहे तो वहाँ ट्यूबवेल पे जाकर अपना थोड़ी जगह बना ले एक दो बिस्से की और उसमें बना कर उस एक दो बिस्से की क्यारियों में थोड़ी मेहनत करें, सुबह शाम जाएं नलाएं, एक्सरसाइज भी होगी और हमारी सब्जी तैयार। पिछले साल हमने 3-4 बीज घिया के बो दिए थे और यूट्यूब पे 3G कटिंग और 4G मैंने पढ़ी हुई वीडियो देखी, उनके हिसाब से छटाई की, आप विश्वास नहीं करेंगे, इतने घिया उतरे कि हमने भी खूब खाए फ्री में, रिश्तेदारों को पहुँचाए और मोहल्ले में बांट दिए फ्री में। मंडी में तो ले जाते तो हिम्मत नहीं पड़ी, शर्म सी लगती थी, लेकिन हमने मोहल्ले में सबको खवा दिए जो हमारे नज़दीकी थे। और अब फिर बो दिए हैं बबलू ने, यूट्यूब पे मैं हमारे भाई बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डालते हैं, आप वीडियो को देख सकते हैं, प्याज कैसे बोई जाए, कब बोई जाए, इस तरह की बहुत वीडियो होती हैं जो हमारे मित्र जो हैं बहुत अच्छी जानकारी देते हैं, तो आप उनके माध्यम से आप कुछ भी बो सकते हैं आज के टाइम में। दोस्तों मेरी बात अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। नमस्कार।